हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से वैकेंसी का नया एडवर्टीजमेंट आया है। वैकेंसी आती ही रहती हैं NCERT की तरफ से, कभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आती हैं, कभी परमानेंट आती हैं। बिल्कुल आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से बताती रहती हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी गवर्नमेंट, प्राइवेट या अदर डिपार्टमेंट की वैकेंसी जो कि आप लोगों को बताई नहीं जाती है, आप लोगों को पता भी नहीं लगती है और फिल हो जाती है, तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया जाता है। यदि आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। यूट्यूब की तरफ से समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल पाएगा। यदि कभी ऐसा हो जाता है कि नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा है तो जो लेटेस्ट वीडियो हैं एक हफ्ते के, वो आप ज़रूर देखें। हो सकता है आपकी वैकेंसी उसमें रही हो आपके राज्य की, तो मिस ना करें कोई भी वीडियो। सैलरी जो है इसमें 35,000 पर मंथ दी जाएगी। परीक्षा नहीं है, बिना परीक्षा के आप यहाँ पर सिलेक्शन पा सकते हैं इंटरव्यू के बेस पर। आयु इसमें 45 ईयर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आयु सीमा में छूट रहेगी कैटेगरी वाइज। सभी राज्यों के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा NCERT की। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, गूगल पे आप सर्च कर लें NCERT.NIC.IN। यहाँ पर जितने भी वैकेंसी जारी होती हैं, अनाउंसमेंट सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ वैकेंसीज आपको दिखेगा, बस इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। फिलहाल जो बिल्कुल लेटेस्ट नई वैकेंसी जो आई है, जिसमें सैलरी जो है 35,000 पर मंथ है, 45 ईयर तक के कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के आवेदन कर सकते हैं। रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स, आयु सीमा में छूट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहने वाली है। डिवीजन ऑफ एजुकेशनल किट्स, यहाँ से वैकेंसी है। NCERT में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। 6 सितंबर 2024 को आया है ये विज्ञापन। कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर वैकेंसी है। वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप लोगों को जाना है, तो यहाँ पर आप पहले सब्जेक्ट देखें। जिन्होंने मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स से किया है या मैथमेटिक्स एजुकेशन से किया है या फिर एनी रिलेटेड डिसिप्लिन विद मिनिमम 55% मार्क्स, साथ में नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए या इसके समकक्ष कोई योग्यता हो वो आपने क्वालिफाई की हो, 2 साल का जो है यहाँ पर टीचिंग में अनुभव एक्सपीरियंस आपका होना ज़रूरी है, रिसर्च में अगर है तो भी, कंटेंट डेवलपमेंट में है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अदर एकेडमिक एक्सपीरियंस इन साइंस। तो साइंस में आपका जो है किसी भी एकेडमिक में एक्सपीरियंस हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने कहीं कोचिंग में मैथ्स पढ़ाई है, 2 साल का अनुभव है उसका, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पद का नाम है सीनियर रिसर्च एसोसिएट्स फॉर मैथमेटिक्स। इंटरव्यू की डेट है 18 सितंबर 2024। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी है, जैसा कि मैंने आपको बताया परमानेंट वैकेंसी भी आती है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी तो जिसका इन्होंने समय दे दिया है कि 31 मार्च 2025 तक जो है यहाँ पर आप को अपॉइंटमेंट मिलेगा, और उसके बाद NCERT में बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। आप लोग लगातार जो है देखते रहें और नेक्स्ट ईयर जो है फिर इसी में अप्लाई कर दें। डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू क्या रहेगा, 18 सितंबर को 11 बजे आपको पहुंचना है। रजिस्ट्रेशन होगा पहले, 9 बजे से 11 बजे तक का समय रहेगा। आप लोग समय पर पहुंच जाएं, जो भी इंटरेस्टेड हैं जिनका सब्जेक्ट है मैथ्स। किस जगह पे जाना है, DEK NCERT श्री अरविंदो मार्ग न्यू दिल्ली 110016। आपको क्या क्या लेके जाना है, तो नीचे जो है आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट निकालना है, फिल करना है। फिल करके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में एक फ़ोटोकॉपी भी साथ में रखें, सभी की 2 फ़ोटो रखें, और आप लोगों को इस जगह पर पहुंच जाना है, ठीक है। यहाँ लिखा है पर्सन हुज मिनिमम एलिजिबिलिटी डिग्री इज अवेटेड प्लीज़ डू नॉट अप्लाई। तो जिनका कंप्लीट है, जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो अगर पूरी
है आपके पास, मास्टर डिग्री मैथ्स में, नेट क्वालिफाई 2 साल का आपका इन फील्ड में कहीं भी अनुभव, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी ही और भी वैकेंसी आएगी, बिल्कुल आप लोगों को बताई जाएगी समय पर। बने रहें चैनल पर। थैंक यू।